23 मार्च से पूरे प्रदेश के सेवा सहकारी समिति के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। वेतन विसंगतियों, अनुकमा, पेंशन जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कम वेतन में हम लगातार सरकार की महत्वपूर्ण योजना का संचालन कर रहे हैं, मगर सरकार हमारी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है। यदि इस बार सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल सेवा सहकारी समितियों के हड़ताल के बावजूद सरकार के द्वारा किसी तरह की बातचीत नहीं की जा रही है और बारी बारी से हमारा प्रदेश प्रतिनिधि मंडल वहाँ भोपाल में बैठा हुआ है और आज भी बैठक प्रतिनिधि मंडल की बैठक है, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आने के कारण हम श्रीमान जी हम तो अपने सब पूरी तैयारी के साथ दलबल के साथ हमारे 500 से लगभग 600 कर्मचारी हो सकता है हमारे जिले का, ये भोपाल के लिए आज ही रवाना हो रहा है। तो आप लोग आज भोपाल रवाना हो रहे हैं, तो कल क्या करना है आप लोगों को भोपाल पहुंचकर? कल वही है, भोपाल में जाने के बाद अब जो परिस्थिति बनती है, हमारा प्रोग्राम तो ही पूर्व से वेदित है और ये शासन प्रशासन को अलर्ट और ये बिना बताए बिना कारण के जाना, ये इस टाइप की बात नहीं है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम है और हमने सारे मंत्रिमंडल में वो दे चुका है और वही है, अगर हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया जाए तो सार्थक परिणाम नहीं आता, तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे और साथ ही उसके बाद भी ऐसा कोई परिणाम और सरकार का कोई ऐसा प्लस में रिजल्ट नहीं आता है तो पूरा प्रदेश का टोटल कर्मचारी वहां पर इस्तीफा देगा, सामूहिक इस्तीफा दे देंगे आप? सामूहिक इस्तीफा देंगे। अभी तक क्या किस तरह का रवैया रहा है, लगा है कोई सकारात्मक सरकार से पहल की जा रही है आप लोगों के हड़ताल के मद्देनजर? हड़ताल के मद्देनजर ऐसी सकारात्मक कुछ विधायक जी भी हैं अपना समर्थन दे रहे हैं, बहुत सारे दलों ने समर्थन दिया है, कुछ MLAs जो हैं वो भी समर्थन लिख लिख करके माननीय शिवराज सिंह जी को पत्र जा रहा है, वो हमें काफी आ रही है उसकी, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आ रहा जी, सार्थक परिणाम नहीं आ रहा है। आप लोगों का स्टैंड क्या, अगला स्टैंड? हमारा पूर्व विद्युत महासंघ का कार्यक्रम तो जो 23 से निरंतर चला आ रहा है, आज हम आप देख रहे होंगे हमारे पास थैले वैले पूरे हम लेकर के अपने पूरे कर्मचारी साथियों के साथ आज हम भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने विगत 8 दिन में हमारी किसी प्रकार की सूद नहीं ली है। अब हम भोपाल जाकर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को CM हाउस का घेराव करेंगे और उसके बाद में अगर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तब तक हमारी मांगों का निराकरण होगा, और निराकरण नहीं हो पाया तो उसके बाद पूरा का पूरा जो 52 जिले का जो सहकारी तय कर्मचारी है वो वहाँ पे घेराव करेगा CM हाउस का, उसके बाद में सब अपने त्याग पत्र दे करके दे देगा वहाँ पे भोपाल। देखिए अभी 7-8 दिन तो हो ही गए, किसी तरह की सूद ली सरकार ने या किसी तरह की वार्ता करने का प्रयास किया आप लोगों के साथ? वार्ता चल रही है, मगर जो वार्ता के जो परिणाम निकल के आना चाहिए वो सार्थक परिणाम नहीं आ रहे। अब देखें कि हो सकता है कि हमारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सहकारिता के मंत्री माननीय अरविंद भदौरिया जी, हो सकता है कि 1 तारीख को हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो भोपाल में ही करें। मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि हमारा CM हाउस का घेराव ना होकर के मतलब मुख्यमंत्री दर्शन, मुख्यमंत्री चाहते होंगे कि मैं सहकारिता के पूरे भाइयों को एक साथ वहाँ पे दर्शन कर लूँ जी। कुल मिलाकर यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो कल जो है सामूहिक इस्तीफा आप लोग देंगे और घेराव भी करेंगे? जी जी, ये बात तो हमारे महासंघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और हमारे 52 जिलों का पूरा कर्मचारी भोपाल के लिए प्रस्थान ही कर रहा है। जैसे आज हम पूरे अपने दल बल के साथ यहाँ से बालाघाट से कम 500 कर्मचारी हम बालाघाट जिले से यहाँ पे रवाना हो रहे हैं।